हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग GS15R। सो आज हम फिर से जा रहे हैं आगरा। आज हमारी ट्रेन है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। वैसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम चल रहे थे तो कहीं पे भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी, और जाते ही देखिए बारिश हो रही बहुत ज़बरदस्त। और अभी मैं एग्ज़ाम दे के वैसे आया था तो यहाँ पे एक नया जो ये खुला है रेस्टोरेंट स्वाद के नाम से, पहले यहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी आपको, जो खाना थैली वगैरह पे खाना पड़ता था, रेडी जिसको बोल देते हैं, वहाँ पे 30 रुपये के 20 रुपये के मिल जाते छोले भटूरे। बट यहाँ पे जो ये स्वाद नाम से खुला है ये बहुत अच्छा है। फिलहाल बारिश तेज़ हो चुकी है, देखिए अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरी ट्रेन है वो है लगभग 4:30 के आसपास, और अभी जो समय हो रहा है ये हो रहा है 3:15 का। तो हम जाएंगे अभी खाना खाने के लिए, बट क्योंकि मेरे पास पॉलीथिन नहीं है तो मुझे फ़ोन को भी बचाना है और अपना जो है लंच भी करना है। सो मुझे दिखाई दे रहा है 40 रुपये का बोल रहे हैं छोले भटूरे, तो एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो थैली वगैरह से अच्छे होंगे, और यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था है, बैठने की भी, क्योंकि जो शॉप है अच्छी खासी इन्होंने बनाई हुई है। और देखिए अभी जो है रुक चुकी थी, अभी हम आ चुके अंदर। तो ये है इनका कुछ मेन्यू, देख लीजिए। तो हमें तो है ओनली जो है छोले भटूरे लेने हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला छोले भटूरे का। यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है राजा की मंडी के पास जो कि स्वाद के नाम से, सो उसको ट्राई करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको वर्थ है नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, आप सभी को पता है कि जो थैली वगैरह पे यहाँ पे जो नॉर्मल बाहर लगती है रेडी, उस पर 20-30 रुपये के मिल जाते हैं, उसमें से 30 वाला मुझे ठीक ठाक सा लगा, 20 वाला उतना अच्छा नहीं था। यहाँ पर शायद प्राइस 40 रुपीज़ है, और ये अच्छी शॉप है, आप देख भी सकते हैं। बैठने की जगह है, अभी देखेंगे इसका टेस्ट वगैरह कैसा है, एंड मैं आपको दिखा भी दूँगा क्या क्या मिलता है प्लेट के साथ। सो भाई ये आ चुके हैं हमारे छोले भटूरे, अभी एक आया है, छोला है, अचार, और ये अभी इसको टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। सो फर्स्ट बाइट, टेस्ट तो खाने में थोड़ा अच्छा था, बट इसके अंदर इन्होंने खटाई वगैरह डाल रखी थी, वो मैंने इनसे बाद में बात की थी कि यहाँ पे यूजुअली सभी लोग जो इसके अंदर खटाई डाल के खाते हैं। और ये हमारा दूसरा भटूरा आ गया है। सो काफ़ी बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू जो रेडी वाले, उससे थोड़ा सा बड़ी है। और यहाँ पर छोले भी आप ले सकते हैं नॉर्मली, कितने भी ले सकते हैं, खाने में बहुत अच्छे लग रहे, ज़बरदस्त। बस एक ही दिक्कत थी इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो इन्होंने खटाई डाली हुई थी और उस वजह से थोड़े से मुझे खट्टे लग रहे थे। नॉर्मली अगर हमारे इधर खाते तो हमें ऐसा लगता कि लाइक जो आटा है वो खट्टा बना रखा है, बट यहाँ पे इन्होंने छोले भी खट्टे कर रखे थे, आई डोंट नो वाई। बाकी 40 रुपये के हिसाब से बिल्कुल वर्थ है, और इससे आपका आराम से पेट भर जाएगा, और क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है। चलिए तो इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, एंड उसके बाद मुझे अपनी ट्रेन भी पकड़नी है। और बारिश जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है, बट मुझे तो जाना है। सो एनी हाउ वी हैव टू रीच एट द स्टेशन, एंड उसके बाद जो है फिर हमने ट्रेन पकड़ने के बाद सीधा अपने घर जाना है। और जैसे कि मुझे पता है कि मेरठ में भी काफ़ी बारिश हो रही है, और वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। देखिए ट्रेन के अंदर जो है पानी भर चुका है, और ये भी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है जो कि 5-5:30 बजे आती है, लेट हो जाती है, और कंडीशन पूरी ख़राब हो रखी है। अंदर तो इन्होंने जो है लाइट भी जला दी, अभी बाहर जो है सूरज बिल्कुल छिपने वाला है, और आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल ऊपर, सन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है लाइक कोहरा हो रहा हो, बट ये कोहरा नहीं है दोस्तों, ये बादल की वजह से। और सामने दिखाई दे रहा है आपको बारिश भी हो रही है। तो फटाफट पहुंच जाते हैं, फिर सुबह मुझे पहुंचना अपनी यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे जाके अपना थोड़ा बहुत खाना पीना करेंगे, वो भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा और आप उसको देख पाएंगे। आज है 22 अगस्त 2023, और आज बारिश हो रही है, जितने भी मोदी नगर का एरिया गाज़ियाबाद मेरठ तक पूरे में बारिश है दिल्ली तक। और हम अपना करने आए हैं लंच, लगभग 12 बज रहे हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई भी करनी है। सो यहाँ पे मिल जाती 30-35 रुपये की थाली, और तो कुछ मुझे अच्छा लगा नहीं, बस इनके पास जो है रायता नहीं था अवेलेबल, तो इसलिए हमने रायता तो लिया नहीं। सो इसी से काम चलाना पड़ेगा, और अपना जो है थोड़ा फिर पढ़ने का भी है, उसके बाद पढ़ते हैं। आई होप आज का हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू सी ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।